बायो सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, जिसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे हम कि कोई व्यक्ति जन्म से किन्नर क्यों जन्म लेता है, अर्थात के जिसे हम लोग कहते हैं किन्नर या खोजा या हिजड़ा भी कहा जाता है, वो जन्म से किस कारण हो जाता है या जन्म उनका किस विकार के कारण हो जाता है। तो देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कि सबसे पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को डॉक्टर एच एफ क्लाइनफेल्टर ने इस विकार की खोज की और या इसका कहेंगे हम कि अध्ययन किया। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एलोसोम में होने वाला विकार है। यह नर में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोजोम के ट्राइसोमीकरण होने वाला रोग है, इसलिए इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को कहा जाता है कि यह नपुंसक पुरुष होता है, अर्थात क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति नपुंसक पुरुष होता है। जन्म से ही गड़बड़ी उसमें आ जाती है। कारण यह है कि सेक्स क्रोमोजोम में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोजोम का प्रकट हो जाना आ जाना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण है। वो इसके कारण व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस रूप में बना सकते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक नपुंसक पुरुष होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, यह 44 ऑटोसोम्स को रखता है और एक्स एक्स वाई को रखता है। इसमें दो एक्स क्रोमोजोम और एक वाई क्रोमोजोम रहता है। इसमें अभी क्रोमोजोम की अधिकता के लक्षण क्या हैं? चूंकि हम जानते हैं कि एक्स और वाई पुरुष का लक्षण होता है, इसमें एक एक्स क्रोमोजोम अतिरिक्त एक्स क्रोमोजोम आ जाने के कारण इसमें मादा के लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं। लक्षण के तौर पर देखें हम कि शरीर पर बाल हेयर जो है कम हो जाता है। सबसे बड़ा पहचान है कि इस एक्स क्रोमोजोम के कारण पुरुष में मादा जैसे यानी फीमेल जैसे ब्रेस्ट यानी अस्तन का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस बीमारी को या विकार को गाइनिकोमेस्टिया कहते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव के में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, गाइनिकोमेस्टिया किस विकार के द्वारा होने वाला रोग है। तो अतिरिक्त एक्स क्रोमोजोम के कारण अस्तन का विकास हो जाएगा, आवाज पतली हो जाएगी, कद सामान्य से अधिक होगा, परंतु इस सिंड्रोम से जो ग्रसित पुरुष है उसमें टेस्टिस छोटा हो जाता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण इसमें असंभव हो जाता है। अर्थात कहेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में शुक्राणु का निर्माण होता ही नहीं है और ये जन्म से ही किन्नर यानी खोजा होते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।